हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मुँ विश्वजित स्वागत करुच्छे आपको आज वीडियो को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन 2021-22 को नहीं बड़ अपडेट आसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रु विजु बा सशक्तिकरण योजना अंडर लैपटॉप डीबीटी स्कीम रो आवेदन शेष तारीख होउची जून 20, 2022। ओके तो फ्रेंड्स फाइनली पेंडिंग लिस्ट आसी सारी आपने जानते जो टाइम डेडलाइन एक्सटेंशन करापर ही पेंडिंग लिस्ट पब्लिश कर स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल तरफ सो आपण यही पेंडिंग लिस्ट अच्छी कि नहीं पेंडिंग लिस्ट को आपति देखिए आपण अच्छी कि नहीं केमी जानवे केते पिला अच्छा जो मैंने यपर्यंत आवेदन करना जो मानक सुजोग दि जाएगी जून 20 सुधा से सक्सेसफुली आवेदन करनी कौ मैंने रजिस्टर्ड करो मैंने रजिस्टर्ड करना ये संपर्कित संपूर्ण डाटा आज वीडियो आपको प्रोवाइड करी सो वीडियो को फुल एंड पर्यंत देखा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को ऑल सेट करूँ चलतु डेरी नक आज वीडियो को स्टार्ट करवा। सो फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपारे ये हूँ पेंडिंग लिस्ट जहाँकि हेडिंग रे स्पष्ट भाव लिखाई पेंडिंग स्टूडेंट लिस्ट ऑफ विजु युवा सशक्तिकरण योजना लैपटॉप डीबीटी। ओके तो यार देखो आपंकर सीरियल नंबर रही डिस्ट्रिक्ट रही प्लस टू रोल नंबर रही नेम रही कॉलेज नेम रही स्ट्रीम नेम रही ओएसएसपी रजिस्टर्ड कि रजिस्टर्ड नुहे ये रही तो फ्रेंड्स आपण मैं कहपाई चाहिए ए लिस्ट टोटाली अच्छे जो स्टूडेंट्स मैंने आवेदन करना तो यदि आम देखा तेरे ओएसएसपी रजिस्टर्ड रे प्रायत दुई प्रकार जिनस रोच जोटा कि नॉट रजिस्टर्ड आउ रजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड मैंने जो मैंने आम कहीपर जो मैंने कि स्टेट स्कॉलरशिप रे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करमती आपणकर जो रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कि अगर कौन स्कॉलरशिप से आवेदन करते से समय रजिस्टर्ड हो सी प्लस टू रे जेहेतु भल नंबर रखिंट तेणु तक लैपटॉप डीबीटी सिलेक्शन कर से ए पर्यंत आवेदन करना जोटा नॉट रजिस्टर्ड लिखुची ओएसएसपी रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड जोटा लिखुची तार माने हूँ कौन ना जो स्टूडेंट मैंने रही कि से मैंने स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रे आधार साहजरे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ही करना तेणु जेहेतु रजिस्ट्रेशन करना से आवेदन केमी करेंगे तो देखो फ्रेंड्स आपण मैंने केमी जानवे आपणकर ना अच्छी ना एठारे फिल्टर रहुची दुई प्रकार आपण मैंने आपणकर नेम अनुसार सर्च करें नपणकर प्लस टू रोल नंबर अनुसार सर्च करें केमी सर्च करेंगे पीडीएफ को आपण मैंने ओपन कलापर एठारे देखते एक सर्च बार रही क्लिक करके आपणकर प्लस टू रोल नंबर किंबा आपणकर नेम लिखिदेले से ऑटोमेटिक व्हाइट स्क्रीन रे आसीजीव कि आपणकर ना एथिरे अच्छी कि नहीं जमती कि देखो एठारे मु गोटे एठारे कॉपी करूची कॉपी करी मु सेटी पेस्ट कर देखो फ्रेंड्स यही भाव हाइलाइट होगा कि यठार ना अच्छी कि नहीं रोल नंबर मेंशन अच्छी ना तो जो मैंने एपर्तंत आवेदन करना निश्चित रूप आवेदन करनी कहीं डेडलाइन एक्सटेंशन होहाँफल रिव्यू प्रोसेस आगो को बढ़ी पार ना तो 14 पेज विशिष्ट जो पीडीएफ रही एथिरे टोटाली 888 जनकर ना रही। ओके तो से रजिस्टर्ड एंड नॉट रजिस्टर्ड जदि आम देखा तो से 486 जन स्टूडेंट अच्छा जो मैंने कि ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रजिस्टर्ड करना रेस्ट जो मैंने रही से मैंने रजिस्टर्ड करवेदन करना तो फ्रेंड्स आपण मैंने जानते जून 2 तारीख रु डेडलाइन एक्सटेंशन हो पीडीएफ हूँ जून 2 तारीखर तो ता पूर्व ता से 2-4 भितर जदि आपण मैंने आवेदन करपणकर कंग्राचुलेसन लिखी तो ये लिस्ट जदि आपणकर ना थाए तो कौन असुविधा ना तो जो मैंने एपर्तंत आवेदन करने निश्चित रूपे आवेदन करनी ये पीडीएफ टी आपर टेलीग्राम चैनल पापर डिस्क्रिप्सन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिखाई आपण मैंने क्लिक कर जॉइन हो पारे कि यूट्यूब चैनल नेम को टेलीग्राम सर्च कर मैनुअली जॉइन हो पारे किसी भी क्वेश्चन अच्छी इंस्टाग्राम फॉलो कर मेसेज करेंगे यह सहित इंपोर्टेंट कथा हूँ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बा डीबीटी संक्रांत में आपण मानक किसी डिटेल्स इंपोर्टेंट कही रखुची बहुत सारा स्टूडेंट्स मैंने बैंक को जाने आधार लिंक करने कहते से जनाछ कि आम लैपटॉप डीबीटी 30,000 टाँग आसबार अच्छे सो आम बैंक आधार लिंक करते यूआईडीआई जिते बड़े आम एनपीसीआई सर्भर में आधार बैंक लिंक चेक करुचु तो सेटा आमर देखनी कि अगर कौन सी बैंक देखा तो फ्रेंड्स यार मेन फंडा हूँ आप बैंक को जब से कहे कि सर जमिति एलपीजी सब्सिडी सहित तो आधार लिंक करा जाए थाए सेमिति स्कॉलरशिप सहित तो आधार को लिंक करने जहाँफल एनपीसीआई सर्वर बा आधार यूआईडीआई वेबसाइट रे आपणकर बैंक लिंक शो करिबो। ओके सो जदि आप ऑलरेडी लिंक कर सारी किसी भी टेंशन नबार ना जदि आप किसी रॉन्ग इनफॉर्मेशन देते तो 20 तारीख सुधा रिवर्ट कर रीअप्लाई करेंगे वीडियो टी के लगे कमेंट कर जनवा सहित निश्चित रूप समस्त सहित सेयार करूँ धन्यवाद।